वेन एवर वी बाय बहुत ध्यान से सुना वेन एवर वी बाय अ प्रोडक्ट और अ सर्विस इन ल्यू इन ल्यू इन एक्सचेंज ऑफ मनी देन यू आर अ कंज्यूमर जब कभी भी आई कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं किसी से भी या आप उनसे सर्विस लेते हैं और उस सर्विस और उस प्रोडक्ट के लिए इन ल्यू दैट मीन इन एक्सचेंज आप उनको पैसे देते हैं यू पे देम देन यू आर अंज्यूमर ठीक है बट अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दी है राइट right? तो ऑब्वियसली वो गिफ्ट है आपके लिए आपने उसके लिए पैसे नहीं दिए हैं किसी चीज के लिए आपने अगर पैसे नहीं दिए हैं तो यू आर नॉट अ कंज्यूमर ठीक है तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर स कि अगर आप कोई भी चीज किसी भी ब्रांड की या सर्विस आप लेते हैं और उसके लिए आप मनी पे करते हैं यू पे फॉर इट यू आर अ कंज्यूमर अब ये कंज्यूमर जो है हम सब वी ऑल अफ एज आर कंज्यूमर इन सम वे और ठीक है ना हम कुछ ना कुछ बाय करते हैं प्रोडक्ट्स लेते हैं सर्विस लेते हैं राइट सो वी ऑल ऑफ अस आर कंज्यूमर्स सो कंज्यूमर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है कंज्यूमर्स आर कंज्यूमर सो नाउ दिस टॉपिक इज़ अबाउट कंज्यूमर अवेयरनेस कंज्यूमर को अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है जागो ग्राहक जागो नाउ डेज पर्सन इज अ कंज्यूमर इन इन वन वे और द

राइट right? मैन्युफैक्चर होता है वहां से मैन्युफैक्चर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर वो प्रोडक्ट जब कंज्यूमर के पास क्लाइंट के पास कस्टमर के पास आता है डायरेक्टली नहीं आता है मिडल मैन है राइट right? होलसेलर है रिटेलर है फिर उसके बाद यू you नो know, ऐसे सब के थ्रू वो क्रॉस होता हुआ कंज्यूमर के पास आता है राइट right? प्रोड्यूसर से डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास नहीं जाता है तो ये मिडिल मैन जो है बीच में उनके भी ऑब्वियसली प्रॉफिट्स वगैरह सब लगे हुए होते हैं तो कई बार कंज्यूमर्स जो है एक्सप्लॉइट हो जाते हैं कंज्यूमर्स एक्सप्लॉइट जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट का आप एक्सवाइजी सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई से एक पेंसिल अगर आप खरीदते हो तो पेंसिल एक ही ब्रांड की नहीं है एक ही कंपनी की नहीं है आपको बहुत अप्सरा की मिलेगी नटराज की मिलेगी यू नो बहुत सारी ब्रांड्स है राइट लेकिन जो कंज्यूमर है वो कई बार जो है अन है राइट उनको पता नहीं है कि, कि ये प्रोडक्ट जो है किस तरह का है कैसा है कहाँ पर अवेलेबल है नॉलेज नहीं है उनको इंफॉर्मेशन नहीं है ऑल्टरनेटिव यूजेस उनको पता नहीं है उसके कारण जो कंज्यूमर है वो क्या हो जाता है एक्सप्लॉइट हो जाता है द सिस्टम वेयर वेयर इन द गुड्स एंड सर्विस दैट अ कंज्यूमर बायस इन लीव ऑफ मनी आर ऑफ गुड क्वालिटी प्रॉपर वेट एंड एट अ रीजनेबल प्राइस इज नोन एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो हम बोलते हैं कंज्यूमर को प्रोटेक्शन कैसे होता है मतलब क्या है व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन मतलब जहां पर आप गुड्स या प्रोडक्ट्स आप बाय करते हो और जैसे मैंने अभी आपको बोला वेन यू आर बाइंग इट बाइंग इट मतलब यू आर पेइंग फॉर इट इन ल्यू ऑफ मनी इन एक्सचेंज ऑफ मनी राइट तो वो प्रोडक्ट जो है वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए प्रॉपर वेट होना चाहिए रिजनेबल प्राइस होनी चाहिए उसकी राइट right? तो ये सारी चीजें अगर है तो कंज्यूमर इज प्रोटेक्टेड राइट कई बार हम कोई प्रोडक्ट लेने जा लेकर आते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता प्रॉपर वेट नहीं होता है ना हमें बोला कुछ और जाता है और वेट कम दे देते हैं रीजनेबल प्राइस नहीं होती एक्सपायरी डेट होती है राइट right? सो so, इस तरह कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट होता है तो कंज्यूमर का प्रोटेक्शन होना बहुत जरूरी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज नॉट जस्ट एन एजिटेशन बट इट इज अ मूवमेंट ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ये एक एजिटेशन नहीं है ये गुस्सा नहीं है ये कंज्यूमर awareness it is a movement of consumer awareness consumer awareness is a movement a movement of consumer protection consumer protection is a well organized program for the people of the society to make them mature consumers with the help of anti-consumer activities exploitation deception maybe face राइट right? अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है ये एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है ये कल, लोगों को अवेयर करने के लिए लोगों को मेचोर करने के लिए उनको बताने के लिए कि आप अगर एक्सप्लॉयड हो जाते हो अगर आपको कोई मतलब प्रॉपर वेट नहीं दे रहा प्रॉपर क्वालिटी नहीं दे रहा प्रॉपर रीजनेबल प्राइस नहीं दे रहा है राइट right? तो आप किसकी हेल्प ले सकते हैं ठीक है राल्फ नडार Who started this movement? Ralph Nadar started a movement in America to bring consumer awareness. Thus, he is called Pioneer of Consumer Movement. Who is called as a pioneer of consumer movement? Ralph Nadar, who started a movement in America to bring consumer awareness. Gira ko jagana ki awareness karna.

भगवान है कंज्यूमर इज़ किंग ऑफ मार्केट, ये सारे लोगोज़ लगे लोग है, 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 है ये सब अपनी एबिलिटी के हिसाब से अपनी फैसिलिटी के हिसाब से हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लेटर ऑन दे ट्राई टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स थ्रू द एंड थ्रू Entice advertisements advertisements in in TV, radio by by publishing advertisements in press continuously by mediums like websites, holdings, or banners. से कि एक, ये ऐसा तरीका है जहाँ पर हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अब आप imagine करो वो सेवन अप की और स्प्राइट की एड आती है क्या वो पीने के बाद आप उड़ने लगते हो नहीं ना बट स्टिल हम वो सेलिब्रिटीज दिखाते हैं अक्षय कुमार दिखा रहे हैं ये सब या वो रन विजय वट वो क्या नाम है उसका वो दि, वो दिखा रहे हैं अब हमें लगता है कि हम भी इसकी तरह बन जाएंगे या हम भी उड़ने लगेंगे या ये सारी तो ये जो एडवर्टाजमेंट है ये एक्चुअली कंज्यूमर्स को लोगों को ये एक ऐसा मीडियम है जो लोग इंटाइस हो जाते हैं राइट right? जैसे फेयर एंड लवली की एड में अगर आप ऐश्वर्या राय दिखा रहे हो तो इफ आई पुट फेयर एंड लवली तो आई एम नॉट गोइंग टू बिकम फेयर बिकॉज कलर इज टैन राइट फिर मैं सालों भी अगर फेयर एंड लवली लगाऊंगी तो भी मैं फेयर नहीं होने वाली बट बिकॉज यू नो दे शो इट इन सच अ वे तो वी गेट अट्रैक्टेड एंड वी स्टार्ट बाइंग द थिंग्स राइट एंड देन वी फगेट वो सारी चीजें भी हम भूल जाते हैं कि हमारी स्किन को खराब हो जाएगा या हम फालतू के पैसे दे रहे हैं हम पर कुछ असर नहीं बट देन वी बाय इट राइट देन ये सारी चीजों से हम कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर देते हैं रेडियो बाय पब्लिशिंग एडवर्टाइजमेंट्स इन प्रेस कॉन्टिन्यूसली लाइक आप अभी ऑनलाइन पढ़ते हो तो आप देखते हो वेबसाइट्स पे भी इतनी सारी एड्स होती हैं हम होर्डिंग्स और बैनर्स भी देखते हैं बिकॉज ऑफ इट कंज्यूमर फाइंड इट डिफिकल्ट टू परचेज और चूज प्रॉपर कमोडिटी And and is is guided towards the false way and is thus exploited. advertisements right? consumer uh, you know, नहीं आता है कि कौन सी चीज ले राइट नो कंफ्यूज हो जाता है परचेस करने के लिए confused हो जाते हैं एंड वो कमोडिटी uh, महंगी वाली कमोडिटी ले आता है बिकॉज ऑफ द पीपल हुआ शोन सेलिब्रिटीज दिखाए गए हैं इसीलिए और अगर जो प्रॉपर जैसे अभी मैं थोड़े टाइम अभी एक्चुअली तो देखा जाए म्यूचुअल फंड भी आती है अब म्यूचुअल फंड में जो टी एन सी होता है या किसी भी किसी भी कोई भी अगर आप प्रोडक्ट या सर्विस लो जो टी एन सी होता है दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन वो बहुत माइक्रो राइटिंग में लिखे हुए होते हैं विच वी नेवर रीड राइट या अगर uh, uh, वो इतने जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि हम सुनी नहीं पाते वो प्रॉपर चीज और फिर जब हम उनकी कंप्लेन करने जाते हैं तो वो टीएनसी हमें दिखाते हैं है ना कि ये आपने पढ़ा नहीं था वो इतनी छोटी हैंड राइटिंग में है कि कोई भी नहीं बंदा पढ़ सकता और ऐसे ही साइन कर देते हैं तो हम एक्सप्लॉइट हो जाते हैं राइट क्योंकि हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है अब अगर कंज्यूमर एक्सप्लॉइट हो रहा है तो मतलब कोई तो

राइट right? कुछ भी दूसरा चीज मिक्स करके, करकेट नाउ ऑल्सो की कंज्यूमर बहुत तरह से एक्सप्लाइड हो सकता है जैसे हम जो कुछ चीज खरीदने जाते हैं तो वेट कम दे दिया या पैकेट में प्रिंटेड वेट कुछ और है और वो कुछ और बोल रहा है या प्रिंटेड प्राइस कुछ और है और हम कुछ और बोल रहे हैं जो कमोडिटी या गुड्स या प्रोडक्ट हमने खरीदी है वो फेक है डिफेक्टिव है है ना या किसी भी चीज में मिलावट कर कर जो है हमें जो है बताया दे दिया गया है तो अब मिलावट करके अगर दे दिया गया है तो वो हमारी हेल्थ के लिए भी डेंजरस हो जाता है राइट और अगर किसी ने वारंटी दी है गारंटी दी है और आफ्टर सर्विस बोला है लेकिन आफ्टर सर्विस देने के बाद भी हमें प्रॉपर सर्विस ना मिल रहा हो तो ये सारी चीजों से हम एक्सप्लॉयट हो जाते हैं इन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी बैंकिंग इंश्योरेंस टेलीफोन और मेडिकल फैसिलिटीज सेलर और ट्रेडर शोज नेग्लिजेंस एंड ह्यूमिलिटीज कंज्यूमर्स बाय चीटिंग इन सिलेक्शन ऑफ गुड्स बाय अट्रैक्टिव एंड डिसेप्टिव बाय अडॉप्टिंग माल एडवर्टीजमेंट ऑफ सेलिंग By selling fake goods in such a manner that they cause physical as well as mental harassment, by creating artificial scarcity and by not providing complete information, consumer is cheated. So, um, these are the reasons. Just say advertisements, as I told you, selling fake goods. Uh, abhi recently, some cases, so they that just a mobiles, ki jo battery. Hai, wo, कुछ अलग कंपनी की वट एवर आई डो नॉट वॉन्ट टू नेम द कंपनी फेक गुड से तो वो बर्स्ट हो गई है ना लोगों के मतलब फेस जो है या कान जो है वो पूरा बर्न हो गया राइट right? या मतलब आप सिंपल देखो कई बार हम बाजू वाली शॉप पर भी जाते हैं तो अगर हम कुछ खरीदते हैं और उसके पास अगर पैसे नहीं होते ना आई मीन अगर चेंज नहीं होता तो वो हमें क्या बोलता है एक रुपया छुट्टा ना थी ते हम एक कैंडी ले लो ने दो गोलियां हमको थमा देता है राइट right? हम भी सोचते हैं ठीक है उस बंदे के पास एक रुपया नहीं है दो रुपया तो कैंडी दे दी वो दे दी हमारा दो रुपया दी लेकिन वो जो दो तो कैंडी आपको दे रहा है उसको तो दो रुपए की नहीं हुई है आपको वो दो रुपए में देता होगा तो वो दो रुपए के कॉइन्स की बजाय आपको दो कैंडी दे दी लेकिन क्या उसको दो रुपए में पड़ती है वो नहीं वो कैंडी वो तो अगर होलसेल मार्केट से लेकर आता है तो उसको तो अट्ठन की पड़ती है फिफ्टी फिल्स की पड़ती है लेकिन क्योंकि उसके पास चेंज नहीं है वन रुपी का कि वो आपको एक कैंडी पकड़ा देता है है ना लेकिन तो उसमें भी वो फिफ्टी फिल्स कमा लिया राइट जैसे हम रिक्शा में बैठते हैं अगर नॉमिनल फेयर अगर पंद्रह रुपए है और वो तो नहीं नहीं हम तो बीस ही देंगे तो मेनी ऑफ द टाइम्स बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर आप जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बिल में इफ आप अवेयर नहीं हो या गैस में आप अवेयर नहीं हो तो हमारा अवेयरनेस बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर हम एक्सप्लाइट हो जाते हैं रीजंस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर इज एक्सप्ल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन कंज्यूमर हिमसेल्फ हर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल अभी एक्सप्लॉयट हो रहा है तो प्रॉब्लम किसकी है कंज्यूमर की कस्टमर की, की क्योंकि उसको अवेयरनेस नहीं है Uh, no. Traders, producers, organizers make undue advantages of consumers by exploiting undue advantage of consumer by exploiting them in different ways because of ignorance, lack of awareness, illiteracy, lack of tendency to become organized and oppose, lack of preparation. है कि कंज्यूमर को खुद को ही अवेयर रहना पड़ेगा अगर आप इग्नोरेंट हो अगर आप अन अवेयर हो आप इलिटरेट हो आपको पता नहीं है वॉट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग आपको पता नहीं है मार्केट में क्या वो चीज है तो उसकी वजह से आप खुद एक्सप्लॉइट हो सकते हो Limited information in the capitalist economy, the producers and sellers are free to produce or sell any account, any commodity or service in any quantity. There are no specific rules regarding their pricing and quality, regulation wherever they are. as the rules are not followed strictly,

राइट प्रोड्यूसर्स और सेलर्स प्राइवेट कंपनीज हैं या जो पैसा कैपिटल इकोनोमी जो है जिसने कैपिटल यानी मनी कैपिटल मनी जिसने खुद का पैसा डाला है तो वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहा है और सेल कर रहा है तो उसको किसी को पहले तो कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करना पड़ता क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट इन्वॉल्व राइट तो खुद के रूल्स फॉलो करता है फिर मोनोपोली स्टार्ट कर देता है प्राइस बढ़ा देता है राइट right? वो स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो नहीं करता कुछ अगर रूल्स उनको गवर्नमेंट के फॉलो भी करने पड़ते तो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं है प्रॉपर नॉलेज नहीं है प्रोडक्ट की यूजफुलनेस के बारे में क्वालिटी के बारे में नहीं पता है या सेल्स सर्विस आफ्टर क्या है वारंटी गारंटी नहीं पता है लेस इंफॉर्मेशन है अबाउट द कमोडिटी तो कंज्यूमर एक्सप्लॉयट हो जाता है thus due to the limited information or lack of understanding the consumer tends to make mistake limited supply when supply of products or services not in accordance with the demand artificial scarcity is created baare mein humne price rise mein kuch padha. है हाँ ना कि अगर प्रोडक्ट और सर्विसेज बहुत ज्यादा डिमांड में है और हमें भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आर्टिफिशियल स्केयरसिटी क्रिएट की जाती है दस बिकॉज इज क्रिएटेड तो ट्रेडर्स होर्डिंग करते हैं ट्रेडर्स प्रोड्यूसर्स होर्डिंग करते हैं फिर नैचुरिटीज इज ऑल्सो वन ऑफ द वे जहाँ पर लिमिटेड सप्लाई होती है क्योंकि नेचुरल क्लैमिटी देखो जहाँ कर भी स्केयरसिटी होती है हम क्या करते हैं वो चीज़ हम महंगे दामों में खरीदना स्टार्ट कर देते हैं है ना इन सच सिचुएशन ट्रेडर्स टेक अंडूडवाटेज बाई ओवर प्राइजिंग सो इन प्रॉपर सप्लाई ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर और बिकॉज ऑफ दिस स्केयसिटी भाव बढ़ जाते हैं डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूमर जो है वो एक्सप्लॉइट हो जाता है महंगे दामों में चीजें खरीद कर आ जाता है limited competition when a single producer or a group of producers have their monopoly in the production and sale of commodity or service then due to the lack of other alternative producer exploit the consumer in different way in such limited or monopolist market the consumer is dumped with defective services or commodities of low quality a प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर मोनोपोली चलती है जहाँ पर एक सिंगल प्रोड्यूसर है या ग्रुप ऑफ प्रोड्यूसर्स हैं वो ही खाली लोग हैं जो वो प्रोडक्ट जो बेचते हैं या बनाते हैं अब क्योंकि वो ही लिमिटेड लोग हैं तो वो अपना भाव वगैरह रखते हैं राइट और कंज्यूमर को भी कुछ आइडिया नहीं है या अवेयरनेस नहीं है तो इसके कारण कंज्यूमर जो है वो चीटेड हो जाता है और लो क्वालिटी की सर्विस जो है उन्हें मिल जाती है राइट टल एंडलोरिटी इन इंडिया डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ मिसबिवियर टूवर्ड कंज्यूमर एंड एक्सप्लाइटेशन वॉज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कौतल्यज अर्थशास्त्र अब अभी तो फिर भी बेटर है कि कंज्यूमर जो है थोड़ा अवेयर हो गया है लिटरेट लोग हैं नॉलेज है उनको अवेयरनेस है लेकिन जब ये ऐसा चीज था कि कंज्यूमर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं या हो रहे थे तो एक एक टाइम ऐसा आया कि देर वॉज अ नीड की दैट वी शुड स्टॉप कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन राइट तो उसके लिए इंडिया में अगर हम देखें तो आज की बात ही नहीं है बरसों पुरानी बात है कि कौतल्या की अर्थशास्त्र कौतल्या राइटर उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र राइट उनमें ही हैज डिस्क्राइब इन दैट बुक ही हैज डिस्क्राइब अबाउट द मिस बिहेवियर ऑफ ट्रेडर्स कंज्यूमर एंड इज एक्सप्लॉयटेशन सो कौतल्या ने अपनी अर्थशास्त्र बुक जो है उसमें भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि कैसे ट्रेडर यानी बिजनेसमैन जो है राइट right, वो कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉइट करता है कैसे मिसबिहेव करता है और अगर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो उसको क्या पनिशमेंट दिया जाना चाहिए वो बिजनेसमैन को वो प्रोड्यूसर को वो ट्रेडर को क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए वी फाइंड मेंशन ऑफ पनिशमेंट्स फॉर अंडर मेजरमेंट ऑफ गुड्स एडल्ट्रेशन और डुप्लीकेशन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन फ्रैंकलिन कैनेडी प्रेजेंटेड फोर राइट्स ऑफ द कंज्यूमर ऑन मार्च 15 1962

पार्लियामेंट में उन्होंने अपना ओपिनियन रखा था अबाउट कि कंज्यूमर जो एक्सप्लोइ हो रहा है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल पब्लिश नोटिफिकेशन शोइंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर ऑन फिफ्टींथ मार्च नाइनटीन सो फिफ्टींथ मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे वील फो दिस ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर डे

राइट इन बिल मतलब अकॉर्डिंग टू दिस इट रिकमेंडेड एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड टू से राइट एंड इंटरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फॉर दिस इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म्ड नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स अब यहां पर उन्होंने ये बोला यूनाइटेड नेशन ने कि हर एक नेशन को एक इफेक्टिव लीगल स्ट्रक्चर बनाना चाहिए जहां पर कंज्यूमर की राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए राइट तो इंडिया में इंडियन पार्लियामेंट में हम लोगों ने इंडिया में एक नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किया विच वॉज इन 1986

गुजरात कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्टार्ट किया है 1988, ऑन 18th फरवरी 1988, as per this, legal action for consumer protection has been undertaken. तो गुजरात का जो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना उससे कि अगर any consumer is exploited, right, तो he can be मतलब उनको प्रोटेक्शन मिलेगा और सामने जो भी उसको चीट कर रहा है एक्सप्लोइट कर रहा है उसको पनिशमेंट मिल सकती है। in 1993 and 2002 many important amendments amendments matlab changes have been implemented in india in consumer protection people have wished to bring change in the age old act as per requirement of time many provisions have been made under consumer protection legislation in 1986 now we shall gather information about important provision made the act